वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? आज हम आपको दिखाएंगे जो स्टार सिटी 110 सीसी वाला मॉडल जो है बाइक सेल्फ स्टार्ट, इस बाइक की इग्निशन लाइन के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को दिखाता था, जो जब भी प्रॉब्लम आता था बाइक खराब आता था उस वक्त क्या था जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके ठीक करके दिखाता था, बट आज आप लोगों को अलग वीडियो दिखाऊंगा। ये बाइक हम लोग का रनिंग है और रनिंग बाइक में इग्निशन लाइन जो होता है क्या क्या हम लोग को परफेक्ट मिलता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि आपके पास में अगर जैसे कि स्टार सिटी 110 सीसी वाला मॉडल बाइक जैसे कि इग्निशन लाइन नहीं है, बाइक स्टार्ट नहीं होता है, उस वक्त आप लोगों के पास आता है। और अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हो जो स्टार सिटी 110 सीसी वाला बाइक में करंट ना आए तो हम लोग क्या क्या चीज़ को देखिए, तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा जो इग्निशन लाइन के बारे में, जो इग्निशन जैसे कि हम लोग का CDI में कितना वोल्टेज आना चाहिए, मैग्नेट कॉइल से हम लोग का पिकअप कॉइल का रीडिंग कितना आना चाहिए, और ग्राउंड ये सब जितना भी है वायरिंग रिलेटिव स्टार्टिंग के बारे में जैसे इग्निशन लाइन के बारे में। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हम लोग का CDI, जैसे कि इस बाइक में इस तरह से देखने मिलेगा जो 110 सीसी वाला जो बाइक है TVS स्टार सिटी जो 110 सीसी, इस तरह का आप लोगों को CDI कपलर कॉयल देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को बताता हूँ इसमें हम लोगों का कपलर दिया गया, एक कपलर ये है, एक कपलर ये है, और एक कपलर ये, और एक बॉडी अर्थिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन सा काम क्या होगा। तो गाइस ये जो आप लोगों को कपलर दिख रहा है इसमें आप लोगों को वाइट कलर और एक ब्राउन कलर, ये हम लोग का पिकअप कॉइल का रीडिंग आएगा, आपको बाद में बताता हूँ। ये हम लोग का जिसमें कि आप लोगों को ऑरेंज और एक जैसे कि ग्रीन देखने को मिला है, ये हम लोगों का आउटपुट है, ST कॉइल में जाएगा। ठीक है, अब सवाल है यहाँ हम लोगों को चार वायर में देखने को मिल रहा है चार तरह का कलर, एक ऑरेंज कलर, एक ब्लैक में व्हाइट, और एक जैसे ब्लू में व्हाइट, और एक यहाँ पर है सिर्फ ब्लैक कलर। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए चार वायर जो है, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ ऑरेंज कलर जो है इसमें हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, और यहाँ जो ब्लैक कलर की वायर है ये हम लोग का जाएगा इग्निशन स्विच पर, आप लोगों को बाद में सब दिखाता हूँ। और जो ब्लैक में व्हाइट कलर की है ये हम लोगों का बॉडी अर्थिंग है, और ये जो हम लोग का दिखाई दे रहा है ये वाला जो ब्लू में व्हाइट, इसमें हम लोग का एक होता है जैसे VDI सिस्टम, इसका कपलर है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सब एक तरफ से बताता हूँ इसमें हम लोगों का जो इग्निशन लाइन कैसे चालू होगा। तो सबसे पहले हम आपको लैंप की मदद से बताएंगे जो एक्चुअली लैंप की मदद से हम लोगों को क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे और ऑरेंज कलर की वायर में हम लोग देखेंगे जो वोल्टेज वगैरह आ रहा है कि नहीं, तो इस जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए कपलर को खोलता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए ऑरेंज कलर में हम लोग लैंप चलाएंगे, अगर लैंप यहाँ हम लोगों का ठीक से वर्क करेगा तो बाइक में वोल्टेज का कोई कमी नहीं, वोल्टेज हम लोगों को मिल जाएगा। अगर लैंप नहीं जलेगा तो फिर हम लोगों को वोल्टेज लाना है, वो कहाँ से आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस यहाँ देखिए लैंप हम लोगों का जल रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का वोल्टेज बराबर है। इग्निशन बंद करो, एक बार ऑन करो, तो इससे हम लोगों को पता चलता है अगर बाइक में करंट ना आए तो सबसे पहले स्टेप आप लोग चेकअप करें जो ऑरेंज कलर में वोल्टेज देखे। ठीक है, तो वोल्टेज का काम बन गया, अब हम लोग चेकअप करेंगे बॉडी अर्थिंग सही से मिल रहा है कि नहीं, ग्राउंड सही से मिल रहा है कि नहीं। तो ऑरेंज में एक वायर लगाएंगे और यहाँ ब्लैक में जो हम लोग का व्हाइट कलर दिया गया है इसमें हम लोग का बॉडी अर्थिंग ग्राउंड आएगा, तो चलिए हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस पर भी हम लोगों को जल रहा है, इग्निशन बंद करो, तो ग्राउंड यहाँ से मिल रहा है, ऑन करो, तो ग्राउंड भी मिल गया। अगर यहाँ जैसे कि ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर में एक एक करके वायर अटैच करेंगे तो आप लोगों को जिसमें जो देखने को मिलेगा लैम्प जलेगा, अगर ना जले तो जैसे कि बॉडी अर्थिंग हम लोग का कहीं से कटा हो सकता है। इस वायर को आप लोग जिसमें कि चेकअप करें, और जैसे कि यहाँ से अगर लैम्प जल रहा है और यहाँ से नहीं जल रहा है तो इस वायर को आप लोग चेकअप करिए, कहीं वायरिंग के साथ अगर कटा रहा है तो भी दिक्कत आ सकता है, बाइक में करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज और जिसमें कि बॉडी अर्थिंग आप लोगों को बताया, और ये दोनों वायर किस काम का है। तो गाइस ये हम लोगों का VDI का है जिसमें कि इसका प्लस का साथ इसका संपर्क है, इसको अगर हम खोला भी रख ले तो बाइक में करंट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ जो ब्लैक कलर की वायर दिया गया है यहाँ से डायरेक्ट चल जाएगा चाबी का स्विच, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोगों का दो कपलर देखने को मिलेगा चाबी का स्विच पर। ठीक है, एक जैसे कि वोल्टेज को कट करने के लिए और जैसे कि एक बाइक को बंद करने के लिए। तो बाइक का बंद करने के लिए एक कपलर में हम लोगों को ब्लैक कलर खाली दिया गया है
और ब्लैक में व्हाइट दिया गया है, ये बॉडी अर्थिंग है और जैसे कि CDI को शॉर्ट करता है यही ये लाइन, अगर हम लोग शॉर्ट कर दें तो बाइक में करंट नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर बीच में से कहीं भी वायरिंग अगर शॉर्ट हो जाता है तो बाइक में करंट नहीं आएगा। तो यहाँ इस कपलर में आप लोगों को समझाया, अब आप लोगों को बताता हूँ पिकअप कॉइल का रीडिंग कितना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो पिकअप कॉइल का वायर कहाँ है। तो गाइस वोल्टेज वगैरह सब हो गया, अब दूसरा स्टेप हम लोग चेकअप करते हैं जो पिकअप कॉइल का रीडिंग कितना आएगा। जो बाइक में हम लोग का होता है क्रैंक पोजिशन सेंसर, वो डिटेक्ट करता है, CDI को देता है और लाइन को काट छोड़ता है इसी से। तो ये जो हम लोगों को कपलर देखो के मिल रहा है गाइस, यहाँ इसमें जैसे कि व्हाइट में ब्लैक है और व्हाइट में जब ज़्यादा व्हाइट ब्लैक है, तो दोनों वायर को जिसमें कि हम लोग मल्टीमीटर से जिसमें कि अटैच करेंगे और मल्टीमीटर में देखिए जिसमें एक 123 रीडिंग हम लोगों को आना चाहिए। 123 रीडिंग अगर नहीं आएगा तो पिकअप कॉइल का हम लोगों को आर्निंग ठीक से नहीं बता पाएगा और डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा और बाइक में करंट भी नहीं होगा। तो गाइस वोल्टेज खाली और ग्राउंड रहने से काम नहीं बनेगा, हम लोगों को पिकअप कॉइल का रीडिंग भी सही देखना है तभी हम लोगों का इग्निशन लाइन चालू है। अब सवाल है यहाँ वोल्टेज भी सही मिला इस कपलर पर, बॉडी अर्थिंग भी सही मिला और जैसे कि पिकअप कॉइल का रीडिंग भी सही मिला, पर ये सब कुछ सही होने का बाद हम लोग तीसरा स्टेप चेकअप करेंगे जो हम लोगों का इस पर हम लोगों का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो चलो कपलर वगैरह लगा देता हूँ, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब गाइस यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे इसमें हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक वायर लाइएगा इस कलर की वायर में, हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज चेकअप करेंगे लैंप की मदद से, हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक वायर को हम लोग अटैच करेंगे इसमें और एक बॉडी अर्थिंग कर देंगे गाइस। यहाँ देखिए अगर हम लोग का CDI यूनिट ख़राब रहा है तो यहाँ से वोल्टेज नहीं आएगा। अब एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रीडिंग इसी से हम लोग का CDI यूनिट किस तरह से काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे कि आप लोग देख रहा है एक वायर को हमने यहाँ बॉडी किया और हम लोग लैम्प जल रहा है, बट हम लोग यहाँ से चेकअप करेंगे जो CDI यूनिट हम लोग का बेहतर है या ख़राब है। जैसे कि दो वायर को लगाया और बाइक में हम लोग किक करेंगे, किक करने के बाद थोड़ा हम लोग का लैम्प जलेगा। ठीक है, बट जब किक मारेंगे तभी जलेगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए बुझ गया है, इंजन घूम नहीं पा रहा है। देखो इसका मतलब हम लोग का इग्निशन लाइन आ रहा है, जा रहा है, कट रहा है, तो इसे हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एक इंडिकेटर हॉर्न की मदद से आप लोगों को सही से बताता हूँ। क्या हमने बाइजर को लगाएंगे यहाँ और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो बाइजर हम लोगों को बज रहा है कि नहीं। तो यहाँ से बज रहा है, अब बाइक का किक मारेंगे हम लोग, किक से चेकअप करेंगे जो बाइजर हम लोगों का बज रहा है कि नहीं। तो गाइस अभी किक मारेंगे, अभी किक मारेंगे बाइक का और बाइजर हम लोगों का बजना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो बाइजर हम लोगों का बज रहा है, अगर नहीं बजेगा तो आप लोगों को CDI कॉइल यूनिट बदलना पड़ेगा। ठीक है, CDI यूनिट अगर खराब रहे तो यहाँ हम लोगों को बाइजर भी नहीं बजेगा और वोल्टेज भी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है इसमें वोल्टेज आता है बट जिसमें कि ये वायर जो है इसमें हम लोग का ग्राउंड ठीक से कवर नहीं कर पा रहा है, उसका कारण CDI कॉइल खराब होता है। तो यहाँ आप लोग चेकअप कर लीजिए इसके अंदर बाइजर बज रहा है कि नहीं, लैम्प जल रहा है कि नहीं। अब सवाल है यहाँ हम लोग का वोल्टेज भी सही है, अब इस कपलर को लगाने के बाद हम लोग चेकअप करेंगे इग्निशन कॉइल पर जो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए इस जगह पर वोल्टेज आ रहा है, अब इस जगह पर नहीं आ रहा है, तो गाइस ये बाटली कॉइल हम लोग का खराब हो सकता है, इग्निशन कॉइल खराब हो सकता है इसका कारण भी। तो अगर बाटली कॉइल खराब हो जाएगा तो भी हम लोग को इग्निशन करंट नहीं आएगा, बट अभी इस बाइक में करंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एकदम बराबर करंट आ रहा है। तो आप लोगों को बताया जो अच्छी गाड़ी में हम लोग अगर जिसमें कि वोल्टेज चेकअप करें तो हम लोग को पता चल जाता है जो एक अच्छा बाइक में हम लोग को जगह जगह में कितना वोल्टेज है, और ख़राब बाइक में अगर हम लोग चेकअप करें तो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो शायद इस वीडियो को देखने में आप लोगों को काफ़ी सारे मोटिवेशन मिला और कुछ अलग सीखने को मिला। तो इग्निशन लाइन इसी तरह से बाइक का चेकअप करता है, जो भी बाइक का हो, सिर्फ इस बाइक का नहीं है, तो हर कोई बाइक का इसी तरह से चेकअप करता है। तो सो गाइस आज आप लोगों को कुछ अलग दिखाया जो मेरे पास आया था एक रनिंग बाइक, और रनिंग बाइक में वोल्टेज कितना होना चाहिए जगह जगह पर आप लोगों को बताया। इसी तरह से आप लोग भी चेकअप करें, अगर आप लोगों के पास पुराना बाइक आता है, स्टार्ट नहीं होता है, तो इग्निशन लाइन मैंने जिस तरह से चेकअप करने को बोला उसी तरह से चेकअप कीजिए। अगर जैसे कि आप लोगों को वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वोल्टेज दीजिए, जैसे कि पिकअप कॉइल का रीडिंग नहीं मिल रहा है तो पिकअप कॉइल चेंज कीजिए, जैसे CDI से हम लोग आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो CDI यूनिट चेंज कर दीजिए, जैसे कि CDI से हम लोग आउटपुट निकल रहा है, जैसे बाटली कॉइल से नहीं निकल रहा है तो बाटली कॉइल चेंज कर दीजिए। तो गाइस
वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।